हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार सत्यकाल स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और धासू एक और धमाकेदार एक और धुआंधार सेशन क्लास ट्वेल्थ का जिसमें एल्कोहल फिनॉल एंड ईथन नाम का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा ही अनमोल चैप्टर है बहुत ही बहुमूल्य चैप्टर है और इस बहुमूल्य चैप्टर का बहुमूल्य टॉपिक है मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल जिसका पार्ट सेवन इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा यानी कि एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन से एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन से एल्कोहल कैसे बनाया जाएगा इस विधि को आपको बताया जाएगा अब एलिफेटिक प्राइमरी अब पहले तो समझो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन क्या होता है एलिफेटिक मतलब ओपन चेन है बड़ा सिंपल सी बात है एलिफेटिक मतलब ओपन चेन है सो दैट इज ओपन चेन ओपन कार्बन की चेन है और अमाइंस है प्राइमरी अमाइंस प्राइमरी मतलब एनएच टू ग्रुप लगा हुआ है तो प्राइमरी अमाइन हो गया ठीक है मतलब कार्बन की चेन सिर्फ एक ही जगह से लिंक्ड है उस से। तो दाइमरी एलिफेटिक अमाइन को हम कैसे बनाएंगे और फिर यह देखेंगे कि उस अमाइन से हम एल्कोहल कैसे बनाएंगे तो पहले चर्चा करते हैं कि अमाइन कैसे बनेगा उस पर हम डिस्कशन करते हैं सो so, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू गिव प्राइमरी एल्कोहल तो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस जो हो गए वो नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करेंगे नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करेंगे टू गिव एल्कोहल और एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस जैसे आपका अमोनिया है बेसिकली ठीक है और उसके साथ आप आर एक्स की रिएक्शन करा दो तो एक एच और एक एक्स चला गया एच एक्स बनाने और एक आर एच uh, की जगह आर आ गया तो दिस विल गिव यू आर एन एच टू विच इज कॉल्ड योर प्राइमरी अमाइन सो दिस इज बेसिकली वन डिग्री अमाइन अब इसको उठाएं और इसकी रिएक्शन कराएं नाइट्रस एसिड के साथ प्राइमरी अमाइन है अब इसकी रिएक्शन कराए हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रस एसिड इज एच एन ओ टू नाइट्रिक इज एच एन ओ थ्री नाइट्रस इज एच एन ओ टू तो तो दिस की प्रिपरेशन पहले देखते हैं कि कैसे बनता है सोडियम नाइट्राइट ले लो HCl के साथ रिएक्शन करा दो एच टू और NaCl बनेगा इन आइस कोल्ड कंडीशन दिस इज कॉल्ड एज आइस कोल्ड कंडीशन जीरो से तीन डिग्री के बीच का टेम्परेचर आप रखोगे जीरो से तीन डिग्री के बीच का तो वी हैव दिस है सोडियम नाइट्राइट एनएनओ टू प्लस एच सी एल तो एक चीज कंफर्म है एनए किसके साथ चला जाएगा सीएल के साथ ये एन ए हो गया ये इसके साथ निकल गया सीएल के साथ फॉर्मिंग एन ए सी एल प्लस एच किसके साथ चला गया एनओ टू के साथ तो दिस विल गिव यू एच दिस विल गिव यू एन प्लस एच टू दिस इज कॉल्ड एस नाइट्रस एसिड तो ये हमारा नाइट्रस एसिड हो गया ये हमारा नाइट्रस एसिड हो गया ठीक है अब अपन अमाइन को क्या करेंगे यहां से रिएक्ट कराएंगे तो दिस इज अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है अगेन एट आइस कोल्ड कंडीशन तो ये दे देगा आर ओ एच तो यहां पर आर रहेगा एच एन ओ टू में से ओ एच निकल जाएगा और ये दोनों नाइट्रोजन मिलकर N2 बना लेंगे नाइट्रोजन गैस एंड देन वी हैव दिस एज एच तो हमारे पास है आर एन एच टू आर एन एच टू प्लस एच एन ओ टू तो एच एन ओ टू इज नाइट्रिक एसिड इट कैन बी रिटर्न एस एच ओ एन ओ हो होनो दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड एच होनो के फॉर्म में लिखा रहता है यहां से आप बॉन्ड तोड़ोगे बेसिकली ये N इस N के साथ जाएगा ये H इस H O के साथ चला जाएगा और ये OH एच ग्रुप पूरा इस पर अटैक करेगा इस पर ये OH एच ग्रुप तो यहां पर क्या बनेगा जीरो टू थ्री डिग्री सेल्सियस के बीच में वी एव दिस R, इसके साथ OH so this will be r o plus r o plus ye n or n dono n2 aur ye do h kiske sath o ke sath to this will give you plus h2 to ye aapke बाई प्रोडक्ट होंगे लेकिन जो main product होगा वो होगा alcohol तो even आप aliphatic जो आपके पास अमाइंस होते हैं प्राइमरी अमाइंस उनको आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके आप एल्कोहल बना सकते हो और खुद नाइट्रस एसिड बनता है सोडियम नाइट्राइट और एससीएल को आइस कोल्ड कंडीशन पे ये भी आइस कोल्ड कंडीशन होगी टू डिग्री सेल्सियस में आप रिएक्ट कराओगे तो आपका नाइट्रस एसिड बनेगा दिस इज सोडियम नाइट्राइट ये होगा सोडियम नाइट तो इसके साथ आप रिएक्शन कराओगे तो ये चीज मिलेगी तो नाइट्रस एसिड को फिर आप अमाइन अमाइन प्राइमरी एलिफेटिकाइमरी से रिएक्ट कराओगे तो आपको नाइट्रोजन गैस और वाटर एज अ प्रोडक्ट मिलेगा लेकिन जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्कोहल होगा सो बट दिस मेथड इज नॉट आगे देखेंगे इसका नोट बट दिस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वन डिग्री एल्कोहल बिकॉज अ मिक्सचर ऑफ एल्किन एल्काइल एल्डिहाइड्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद एल्कोहल्स तो यहां पर आपके पास अलग अलग मिक्सचर भी आएंगे आपके साथ एल आपको एल्डिहाइड भी मिल जाएगा आपको अल्काइल हेलाइट भी मिल जाएगा आपको एल्कीन भी मिल सकता है तो ये सारे मिक्सचर्स होंगे एंड मिथाइल अमीन गिव्स ईथर एंड मिथाइल नाइट्राइट फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके पास मिथाइल अमीन है तो मिथाइल अमीन आपको क्या क्या दे देगा मिथाइल नाइट्राइट दे देगा दे और ईथर दे देगा दे तो ईथर भी बनेगा और मिथाइल नाइट्राइट भी बनेगा तो ये चीज होती है कि इसमें और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं इसलिए इस मेथड को तो आप अल्कोहल बनाने के लिए प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए स्वेटेबल नहीं मानते ठीक है ना बट बन सकता है लेकिन मिक्सचर मिलेंगे आपको बहुत सारे फिर आप सबको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे सबको अलग अलग सेपरेट करोगे तब बाकी जा बाकी चीजें जो होंगी वो जाकर निकलेंगी तो आप क्या कर सकते हो कि इसकी जगह पर आप प्राइमरी अल्कोहल को बनाने की और जो हम पहले मेथड देख कर आए उनको यूज कर सकते हो क्योंकि वहां पर आपको जो मेनली बाय प्रोडक्ट होगा वो बड़े सिंपल प्रोडक्ट्स होंगे जिसमें ज्यादातर गैस होंगी जो गैस बनकर उड़ जाएंगी तो वहां पर आपको आपका अल्कोहल मिल जाएगा इसमें जो आपको मिलेगा उसमें आपको बहुत सारे लिक्विड मिक्सचर मिलेंगे जिनको सेपरेट करना मुश्किल होगा और सेपरेट करना मुश्किल होगा इसलिए इस मेथड को बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा बट यस yes, इस तरीके से एलिफेटिक प्राइमरी अमीन से हम क्या कर सकते हैं अल्कोहल बना सकते हैं स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले लें स्क्रीन ले ले। ओके तो यहां पर ये यह सारी चीजें कंफर्म हो गई तो यहां पर हमारा एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन से कैसे बनता है ये हमने यहां पर पूरी तरीके से देख लिया है क्लियर हो गया बाकी अब हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट एट मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एलिफेटिक एल्कोहल्स को प्रिपेयर करने का हम बाकी और मेथड भी देखेंगे जो लास्ट पार्ट होगा विच इज पार्ट एट ठीक है फिर उसके बाद इट विल बी फॉलोड बाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आएंगी ठीक है तो यहां पर हमारा ये वीडियो कंक्लूड होता है लेकिन अगर आप YouTube पर कोई लेक्चर मिस आउट कर रहे हो तो सबसे बेहतर तरीका मैग्नेट बेस डॉट कॉम आकर लेक्चर्स देख सकते हो विजिट करो मैग्नेट बेस डॉट कॉम पर क्योंकि यहां पर आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलती है ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट मिलती है क्योंकि होता क्या है जब आप YouTube पर कोई टॉपिक सर्च करते हो तो उस टॉपिक से जुड़ा हुआ वीडियो तो आपको मिल जाता है मतलब आपको यह पता चल जाता है कि हाँ ये वीडियो है देखोगे आपको समझ में भी आता है लेकिन फिर आपको ये नहीं पता चलता कि इस टॉपिक से पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना था या बाद में कौन सा टॉपिक पढ़ना है और केमिस्ट्री में ज्यादातर टॉपिक इंटर कनेक्टेड है मतलब हर टॉपिक का अपने आगे या पीछे किसी टॉपिक से कुछ कनेक्शन जरूर है और जब वो कनेक्शन बन जाता है तो हमें एक इंटरेस्ट आने लगता है हमारा पढ़ाई में एक मोमेंटम फ्लो बन जाता है उसी मोमेंटम को बनाने के लिए उसी इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए हमें मैग्नेट बेस डॉट कॉम पर आकर वो पूरी प्लेलिस्ट जो मिलती है फ्री में एक्सेस करने को उसके थ्रू पढ़ाई करनी चाहिए ये सबसे बेस्ट तरीका है कैसे एक्सेस कर सकते हो प्लेलिस्ट को मैग्नेट बेन्स डॉट कॉम पर आओ के टू ट्वेल्व वाले सेक्शन में जाओ सबसे ऊपर यह सेक्शन दिया होगा यहां पर आप जाओ क्लास ट्वेल्थ ऊपर से क्लास सेलेक्ट कर लो आपको यहां पर सभी क्लास ट्वेल्थ के फैकल्टीज का कोर्स देखेगा ट वाइज मेरा आपको केमिस्ट्री का कोर्स दिखेगा ये जो चैप्टर है एल्कोल फेनोलोथर ये ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर है पार्ट टू में जो है पार्ट टू में जैसी वॉच नाउ पे क्लिक करोगे सारे चैप्टर के नाम यहां आएंगे चैप्टर के बगल में प्लस का एक बटन दिया हुआ है जैसे ही क्लिक करोगे नीचे टॉपिक आएंगे और पूरा टॉपिक सीक्वेंस में होगा पहला टॉपिक ये दूसरा ये तीसरा ये और हर टॉपिक के आगे हर लेक्चर के आगे लेक्चर का ड्यूरेशन तक लिखा होगा कि इतने इतने मिनट इतने इतने आवर का टाइम है सो दैट आप अपना टाइम टेबल उसके हिसाब से प्लान आउट कर लो और पूरा सीक्वेंस में यहां से आप पढ़ लो यहीं से आपको नोट्स मिलेंगे यहीं से आई टीजे में अगर आप चले जाओगे सेगमेंट में तो आपको शीट्स मिलेंगी डीपीपीज मिलेंगी डीपीपी पहले आपको खुद सॉल्व करना है उसके बाद आपको वीडियो सोल्यूशन रेफर करना है और वीडियोस भी ऐसे हैं कि आप एक क्लिक करोगे तो बफर फ्री वीडियो हाई क्वालिटी का स्ट्रीम होगा बिल्कुल बफर फ्री वीडियो हाई क्वालिटी का स्ट्रीम होगा एंड एक चीज बहुत क्लियर कर दू वेबसाइट पे बुलाने का इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि किसी चीज का पैकेज आपको बाय करना है या किसी तरीके से आपको कुछ कोड वहां लगाना है या कोई सब्सक्रिप्शन परचेस करना है कुछ नहीं मैग्नेट बेस पर हंड्रेड परसेंट फ्री एजुकेशन है और दो चैप्टर की नहीं हंड्रेड परसेंट पूरा कंप्लीट कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है इवन आई जेई की शीट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो डी पी हम कराते हैं जो प्रैक्टिस पेपर हम लोग कराते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सभी चीज मिलेगी और उसके वीडियो के लिए आप मैग्नेट्स आई टी जे और नीट के चैनल को रेफर करो वहां पर सब्सक्राइब करो और वहां पर जाकर सारे वीडियोज आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के देखो क्योंकि वहां एक्सक्लूसिवली जे डबल ई की और नीट की दोनों तैयारी चल रही है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट बाकी मेन चैनल मैग्नेट बेन्स के इस चैनल पर तो आपको नर्सरी से ट्वेल्थ तक के सारे क्लासेस के हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के वीडियोस आप तक मिल रहे हैं जो एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको क्रिएट करके दे रहे हैं जैसे हम बात करें अगर नाइन्थ और टेंथ क्लास पे तो सोशल साइंस कंप्यूटर्स वहाँ पर साइंस वहाँ की मैथ्स सीनियर सेगमेंट में भी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज लैंग्वेजेस हिंदी इंग्लिश संस्कृत सभी सब्जेक्ट्स के आपको एक्सक्लूसिव लेक्चर्स मिलते हैं दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो भैया इस चीज का फायदा उठाएं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले खुद सब्सक्राइब करें और चैनल का लिंक शेयर करें लोगों के साथ दोनों चैनल आई टी और नीट का भी और ये चैनल का लिंक भी और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें इसी तरीके से मैग्नेट मेंस को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे स्टे कनेक्टेड स्टे एजुकेटेड